हेलो एवरीवन। तो यार बात करते हैं आपके मिलिट्री स्कूल के रिजल्ट की। ठीक है, अभी आज ही आपने देखा होगा कि आपका आरएमएस का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने वो चेक कर लिया होगा। सबसे पहले उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ जिन लोगों ने एग्जाम को क्रैक कर लिया है। इंटरव्यू का कॉल आपको आ चुका है, राइट। लेकिन यार ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है उनके लिए जो लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, उसके जो भी रीज़न रहे होंगे उनको इंटरव्यू का कॉल नहीं आ पाए, राइट। उनकी बात तो हर कोई कर रहा है कि भाई जिनका हो गया सब उनको बधाई दे रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतने निकल गए, उतने निकल गए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। लेकिन यार इस मोमेंट पे जो मेन जो ज़रूरत है वो उन लोगों को है जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला। उनका तो सेट है, जिनका निकल गया उनका तो बहुत बढ़िया है, उनको वो लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी, आपकी जो कड़ी मेहनत थी वो रंग ले आई, आपका रिजल्ट आ गया, राइट। अच्छा रिजल्ट आपका आ गया। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ उनके साथ कौन खड़ा है अभी, ठीक है। हर कोई उनको हो सकता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे, है ना, कि माइंड में कई सारे थॉट आते हैं यार जब आप फुल मेहनत करते हो और उसका सही रिजल्ट आपको नहीं मिलता है ना। और जो भी रीज़न रहे होंगे, है ना, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि हम लोग मतलब बहुत नेगेटिव हो जाते हैं इस मोमेंट पे। अभी आप लोग भी हो रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, आप तो सही क्या ही होना है, जिनका रिजल्ट नहीं निकला तो वो लोग बहुत टेंशन टाइप की फील कर रहे होंगे, बहुत गिल्टी फील कर रहे होंगे। साथ वाले भी हो सकता है उन्हें बोल रहे होंगे कि भाई आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, कि तुझे तब बोला था, पेरेंट्स भी बोलते हैं, है ना, कि तब बोला था तुझे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ा नहीं तूने, है ना। अब यार जो हो गया वो हो गया, ये कोई आपका एंड पॉइंट नहीं था, ये आपका एक लर्निंग फेज़ है ना। अभी तो आप सीख रहे हो, अभी आप 6th लेवल पे हो, 9th लेवल पे हो, ऐसे कोई आप ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। भले आपने अपना 100% देना चाहिए था, आपको अपना 100% देना चाहिए था, अगर आपने दिया फिर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया तो आज के बाद सीख जाओ कि कोई भी अगर आपको काम करना है, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी काम हो, सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का मेन मोटिव वही होता है कि आप लोग मतलब सीख जाते हो कि कैसे कैसे आपको लर्निंग फेज़ में क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है, ताकि जब आप आगे भी कभी लाइफ में कोई भी काम होता है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो या कोई भी दूसरा टास्क हो, तो आप उसको प्रैक्टिकल वे में इजीली बिल्कुल सिंसियर तरीके से करने के लिए तैयार हो जाते हो, राइट। तो भाई आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ ये आपका एंड पॉइंट नहीं था, ये आपका स्टार्टिंग फेज़ है, अभी तो आगे कई सारे काम होंगे, ठीक है। अब यार ऐसा नहीं है कि वहाँ निवा तो आप किसी काम के नहीं हो, कहीं के नहीं रहे, ठीक है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा सोचना। स्टार्टिंग में तो होगा माइंड में थोड़ा, तो यार वो गिल्टी फील तो होगी ना कि भाई हम नहीं कर पाए, लेकिन अब ज़्यादा गिल्टी भी आपको फील नहीं करना है। अब अच्छे से आपको नए जो भी आपके सामने अब गोल आएंगे, जो भी आप अपना गोल बना लो कि भाई चलो ये नहीं हुआ तो मैं इस एग्ज़ाम की, इस काम की अच्छे से मैं तैयारी करूँगा, ठीक है। होता है यार, सबके साथ होता है, फेलियर मिलते हैं, ठीक है। ऐसा अब देखो यार, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया ऐसा तो नहीं है कि सबका हो गया होगा, कई सारे लोगों का नहीं हुआ, ज़्यादातर लोगों का नहीं हुआ, कम लोगों का हो गया, राइट। हो सकता है अगली बारी आप मेहनत करोगे, अगली बारी आपका भी नंबर आ जाए, है ना, और आप भी अच्छे से अगर अभी तैयारी करोगे तो ही फिर वो पॉसिबिलिटी है कि आपका भी एग्ज़ाम में सेलेक्शन हो जाए, राइट। रही बात उन लोगों के जिनका हो गया, तो बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने बहुत मस्त मेहनत करी थी, उसका आपको मस्त रिजल्ट देखने को मिल गया, ठीक है। अपना कंपेयर मत करना, कंपेरिजन मत करना जिन लोगों का नहीं हुआ, और उसे जेलसी फील मत करना कि उसका कैसा हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हो सकता है भगवान ने कुछ और अच्छा रखा होगा, क्योंकि अब अपने आप को अच्छे से कंफर्टेबल फील कराने के लिए, पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए ये कहो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। ये शायद हमारे लिए न बना हो, ऐसा सोच दो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आपके लिए न बना हो, जिसके पास दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक है, जो फिर एग्ज़ाम दे सकता है, वो तो फिर अच्छे से तैयारी करना, अभी से आज से ही अपनी तैयारी को आप लोगों ने शुरू कर देना है, ताकि आपको आगे ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ भाई, नेगेटिव नहीं होना है, होता है सबके साथ होता है, सबका सेलेक्शन नहीं होगा जितने भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपको बात जो ध्यान में रखनी है कि आगे से आप जो भी इन चीज़ों से सीख रहे हो उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है आगे, कि भाई मैंने क्या गलतियाँ करी थी वो यहाँ नहीं करूँगा, वहाँ क्या नहीं करा था वो यहाँ करना है, ताकि आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। तो अच्छे से यार रहो, स्वस्थ रहो, पॉजिटिव वे में रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो बता देना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है, ठीक है। जितना हो सके मैं आपको मतलब मोटिवेट रहना है यार आपको, है ना,
हर बारी जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा नहीं होता है, वो हर किसी के साथ होता है। आप चाह रहे थे आपका सिलेक्शन हो जाए बट नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ, तो हर बारी हमारे मुताबिक काम नहीं होता है, हमें बस काम करते जाना है। कहते हैं ना कि आपको जो कर्म होता है वो करते जाना है ना, अच्छे वो अच्छे कर्म आपको करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी, फल तो अपने आप मिल जाएगा फिर, समझ रहे हो ना, फल आपको अपने आप मिल जाएगा, मेहनत तो करो एक बारी। आपने मेहनत नहीं करी होगी या करी होगी तो कुछ और रीजंस रहे होंगे एग्जाम में सेलेक्शन नहीं हुआ, बट फिर बोल रहा हूँ ये एग्जाम एंड पॉइंट नहीं था आपका, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर आपने यहाँ तक इसको सुना है इट मीन्स आप लोग एक सिंसियर बच्चे हो, पेशेंस आपके अंदर है, पेशेंस रखो, अच्छे से चीजों को करो, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। मिलता हूँ फिर जल्दी आपके साथ नए पॉइंट में, ठीक है, टाइम नहीं था लेकिन बनाना पड़ा है, काफी सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होंगे, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम एक योद्धा हो, एक वॉरियर की तरह आपको लड़ना है, ओके, ऑल द बेस्ट।